गिव योर फीडबैक. मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ज्यादा मैंने सीखा है जो पहले लेवल में, और मैंने उसका प्रैक्टिकली देखा भी है कि मेरे जो 4-5-6 लोग हैं चाइनीज जिनसे मैं बोलना शुरू किया, तो उसने मुझसे पहला सवाल ही पूछा कि तुम कब से चाइनीज सीख रहे हो. तो मैंने उससे बताया कि अभी मुझे 3 वीक्स हुए मैक्सिमम. तो उसने यकीन नहीं किया, वो कह रही नहीं जिस तरह से तुम बोल रहे हो और जो स्टाइल है तुम्हारा वो तकरीबन कम से कम भी 4-5 महीने वाला है कि 4-5 महीने तुम सीख रहे हो. तो मुझे बड़ा इंकरेजिंग हुआ कि और बहुत अच्छा लगा. एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, बोलने का मौका मिला और जो सवाल किया उसका जवाब मिला उसी वक्त मिला. जो एक्सपेक्ट किया था उससे कुछ ज्यादा ही हुआ, क्योंकि कुछ भी नहीं आता था. अब लगता है कि कुछ पढ़ना या बोलना बोलना आ रहा है हल्का हल्का. जहन में 2-3 बातें हैं. पहली बात तो ये कि मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इतने कम अरसे में हम इतनी समझ आ जाएगी. इससे पहले भी मैंने फारसी और की क्लासेस ली हैं. इट वाज अ गुड डिसीजन. आई एम अपर में HSK1 की खुद से तैयारी करके अच्छे मार्क्स भी ला सकती हूँ. तो इट्स अ पर्सनल थैंक्स टू यू. थोड़ा सीखने के बाद में द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हैज बिकम टू हाई, बट वो थोड़ा सा भी जो आपने दरवाजा खोला है उससे काफी ज्यादा रोशनी आ रही है. सो द कॉन्फिडेंस इज रियली हाई दैट I can really make it. पास लेने का था, मतलब फिजिकली इस तरीके से ऑनलाइन मुझे कुछ लग नहीं रहा था कि मैं इतना सीख पाऊंगा. The way you teach particularly अलग तरीके से, मतलब पता नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस में इतना सीखने को मिलेगा, वो भी इतने कम पीरियड ऑफ टाइम में, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला. तो पहले एक दो डिफरेंट लैंग्वेजेस की क्लासेस लेना शुरू की थी, जिनमें मुझे ये लगा था, और बल्कि मैंने तक सुना भी यही था कि लैंग्वेज कोई इतनी जल्दी, मतलब बंदा ऐसे ही हमने कुछ क्लासेस नहीं, 1-2 मंथ की ली तो बोलना शुरू नहीं कर सकता. आपने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि हम छोटी छोटी बातें कर सकते हैं, मतलब हम चाइनीज में कुछ ना कुछ बोल सकते हैं. हम ऐसे ही नहीं कि हम सिर्फ, मतलब हम अभी सिर्फ ग्रामर में ही फंसे हुए हैं या हमें सिर्फ अभी बेसिक्स ही शुरू हो रही है. तो मुझे ये लगा कि बहुत तेजी से हमारी प्रोग्रेस हुई है, मतलब इस लेवल पे काफी कुछ सीख गए कि हम इतना बोल सकते हैं. हमारा कोर्स डिजाइन हुआ है, उसका मैकेनिज्म मुख्तसर बता दूं, वो ये है कि यहाँ पे आते हैं बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स या वो लोग जो समझते हैं कि चाइनीज से उन्हें प्रोफेशनली इंटरेक्शन करनी है और उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है.